बबुल गुप्ता, अभी इस समय डेली हिंद की जो टीम है पहुंच चुकी है गुजरात में, जहां से हम कि आखिर इस बार जो है गुजरात का विकास कैसा हो रखा है और अब जो विकास है क्या कुछ विकास में बदलाव लाना चाहते हैं लोग, क्या मुद्दे होने वाले हैं, किसकी सरकार इस बार जो है देखी जाएगी, लोगों से तमाम बातचीत करेंगे कि क्या कुछ लोगों के मुद्दे हैं इस बार, क्या कुछ लोग विकास चाह रहे हैं गुजरात में। क्या नाम है सर आपका? मुनाफ। क्या कुछ लग रहा है गुजरात में विकास कैसा हो रखा है? बहुत स्लो स्लो मीडियम। क्या लगता है कि अब जो सरकार आने वाली है विकास ला पाएगी? तो एक चांस तो देना चाहिए। कौन सी सरकार आपको लग रहा है कि विकास लाएगी? ऐसा तो सरकार सभी सेम है, फिर भी चेंजेस तो जरूरी है। अच्छा, भाजपा सरकार देखी जा रही 27 साल से उसने अपना जो यहाँ पर है परचम लहरा रखा है, विकास ला रही है, कैसा लाया है विकास बीजेपी? विकास तो किया है लेकिन साथ में महंगाई भी बढ़ाई है। महंगाई ज्यादा हो गई है जी। वैसे महंगाई कहाँ, विकास के साथ महंगाई, विकास तो हो रहा है ना किसी चीज़ में, महंगाई हो रही है लेकिन विकास को ना, लेकिन पब्लिक को भी थोड़ी बहुत तो राहत होनी चाहिए। किस चीज़ में राहत होनी चाहिए? टैक्स वगैरह में। अच्छा, कौन सी पार्टी लग रही है कि महंगाई को हटा पाएगी? मैंने आपको बताया कि पार्टी तो सारी सेम है लेकिन एक बार अगर परिवर्तन हो तो कुछ अच्छा होने की उम्मीद रख सकते हैं। कौन सी सरकार परिवर्तन लाना चाहेगी, किसको लाना चाहेंगे परिवर्तन? अभी जैसे कि बीजेपी ने कांग्रेस को तो खत्म ही कर दिया है, अभी आम आदमी का अभी जोश अच्छा लग रहा है। आम आदमी पार्टी लग रही है कि महंगाई को हटा पाए? अभी उनके प्रॉमिसेस तो ऐसे ही लग रहे हैं। क्या क्या प्रॉमिसेस लग रहे हैं कि आपको वो पूरे करेंगे, कौन से प्रॉमिस किए? अभी जैसे कि उन्होंने बिजनेस वालों को भी बोला है, बोले आपको हम GST में आपको राहत दे देंगे, पेट्रोल डीजल के दाम कर देंगे, गैस सिलेंडर के दाम कर देंगे, कुछ इलेक्ट्रिसिटी में कुछ वो लोग डिस्काउंट करने वाले हैं। अब ये तो आने के बाद ही पता चलेगा कि कौन से मुद्दे, अगर देखा जाए गुजरात में काफ़ी जो कमी है अभी चीज़ों में, कौन से मुद्दे आपको लग रहे हैं कि ज़्यादा देखने को मिलेंगे इस बार, मुद्दों में बदलाव आएगा, कौन सा मुद्दा आपको लग रहा है कि ज़्यादा है? मेजर तो महंगाई का ही है। महंगाई ज़्यादा मुद्दा है। चलिए, और भी लोगों से बातचीत करने की कोशिश करेंगे, जानेंगे कि इस बार आखिर जो है गुजरात में विकास कैसा हुआ है, क्या कुछ बदलाव होने वाला है। यहाँ पर दुकान है एक, क्या लग रहा है गुजरात में विकास कैसा हुआ है? विकास तो कुछ हुआ नहीं है मैडम, कुछ भी नहीं हुआ है। भाजपा तो करी विकास बहुत किया है हमने। वो तो भाजपा कहती है पर कुछ करती नहीं है। कुछ करती नहीं है? नहीं। कौन सी सरकार आपको लग रही है कि विकास लेके आएगी इस बार? मेरे हिसाब से तो आ जानी चाहिए। कौन सी सरकार? अभी कुछ कह नहीं सकते। कैसे भी नहीं, भाई की चढ़ गई तो तेरा कैमरा लेके आ जाऊंगा। लोग कुछ अलग किस्म के भी हैं यहाँ पर लोगों से बातचीत कर। क्या नाम है आपका? विनय। विनय, क्या लग रहा है कि कैसा विकास हुआ है गुजरात में, कौन सी सरकार इस बार दिखाई दे रही है? सरकार को पब्लिक पे डिपेंड करता है। पब्लिक पे डिपेंड, आप भी तो पब्लिक है। हाँ, वो तो कुछ नहीं, सरकार आएगी तो अच्छी आएगी नहीं, इसके अलावा कोई आएगी नहीं। अच्छा, आपके लिए कौन से मुद्दे हैं इस बार? मुद्दे तो कोई नहीं, अपना काम काज तो अच्छा चल रहा है अभी, कोई भी सरकार हो। अच्छा, शिक्षा में बात करें तो शिक्षा में विकास हुआ है? वो होगा, अभी केजरीवाल साहब बोलते हैं कि शिक्षा में विकास होगा तो हो सकता है। केजरीवाल जी शिक्षा में विकास लेकर आएंगे? विकास नहीं कर रही है शिक्षा में? वो तो कर रहे हैं, कहीं अभी बोल वो भी कर रहे हैं, उन्होंने राजस्थान में किया है, पंजाब में किया है, वो भी यहाँ भी कर सकते हैं। मतलब पंजाब में सरकार देखकर आप ये सोच रहे हैं कि गुजरात में भी केजरीवाल की सरकार होनी चाहिए? वो तो होगी मेरे ख्याल से। ख्याल से होगी? हाँ होगी होगी। आम आदमी पार्टी को लग रहा है दिल्ली मॉडल देख के तो नहीं बोल रहे कि दिल्ली में विकास हुआ है काफी अच्छा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। विकास तो वैसे मोदी जी भी लेकर आ रहे हैं, बीजेपी भी ला रही है। विकास कर ही रहे हैं पर शिक्षा विकास में वो अपने केजरीवाल जी आकर है। केजरीवाल ही विकास करेंगे, आगे बढ़े अभी। अच्छा, और बाकी अब शिक्षा को हटाकर दूसरे मुद्दे की बात करें तो? दूसरे मुद्दे में क्या आता है? रोजगार हो गया, महंगाई हो गई, काफी चीजें हैं। वो तो होने वाला नहीं, इसमें आगे तनख्वाह भी नहीं बढ़ती, नौकरियां नहीं बढ़ती, तनख्वाह बढ़ती है नौकरियात वाले की, तो रोजगार वो तो होगा ना। पर युवा तो कह रहे हैं कि रोजगार है ही नहीं। रोजगार तो है ना, कि कौन अभी जो अपने भिखारी भी है ना, 500,000 रुपये कमाता है दिन का, एक भिखारी 500,000 रुपये कमाता है? गणपति मंदिर लाद रहे, देखो आप। देखिए, सुन रहे हैं ना आप, ये कह रहे हैं कि एक भिखारी भी कमाता है तो इसे रोजगार ठीक है, रोजगार की कमी नहीं है, ये कह रही है। यहाँ पे युवा भी कुछ लोग मौजूद हैं, इन युवाओं से बातचीत करने का प्रयास करेंगे कि क्या नाम है वैसे आपका, नाम तो बता दीजिए। कुछ युवा भी हैं जो बोलना नहीं चाह रहे हैं, बाकी और भी लोगों से बातचीत करेंगे, चलेंगे। फिलहाल अभी इस समय हम मौजूद हैं गुजरात में और गुजरात का मूड जान रहे हैं कि इस बार कैसी सरकार जो है लोग चाह रहे हैं, क्या क्या मुद्दे हैं। चाचा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम शफीक अहमद। शफीक जी, कैसा लग रहा है गुजरात का माहौल, विकास हुआ है गुजरात? गुजरात में विकास तो हो रहा है धीरे धीरे। हो रहा है धीरे? हाँ।
कितना हुआ है, कितना हुआ है? अभी चल रहा आपके आपके आंखों के सामने ही है, 50% तो हो गया है, मेट्रो का काम चल रहा है। 50% बचा है, कौन सी सरकार कर रही है? अभी आपने बोला 50% हुआ है, उसके बाकी का 50% कौन करेगी? बाकी का कौन करेगी, ये तो अब जो सरकार आएगी वही करेगी। कौन सी सरकार? अब तो हम जो जो पब्लिक जिसको वोट देगी वही सरकार आएगी ना। पब्लिक में तो आप भी आते हैं ना, एक वोट भी बहुत कीमती होता है। हम तो कांग्रेस को वोट देंगे। तो कांग्रेस लाएगी आपकी? हाँ, हम कांग्रेस के कुछ काम गिनवाएंगे कि कांग्रेस क्या क्या अच्छे काम करती है। अभी मैं चाय पी लूँ फिलहाल? ऐसे ही बता दीजिए, चाय पी लूँ, चाय पी लूँ थोड़ा ना, फिर बाद में आपको बता दीजिए। और भी लोगों से बात, क्या नाम है आपका? सादिक। क्या लगता है कि कौन सी सरकार जो है विकास लेकर आएगी गुजरात? देखो सरकार कोई भी आवे, अपने खुद को कमा के खाना है। खुद को कमा के खाना सरकार देने नहीं आएगी। पर कुछ युवा तो कह रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि रोजगारी नहीं है तो कमाएंगे कहाँ से? रोजगारी, वो रोजगार नहीं है भाजी, बीजेपी की सरकार में, कांग्रेस की सरकार में वो सबको खाती थी और खिलाती थी। अच्छा, सबको खाती भी खिलाती? खाती भी खिलाती थी भी। अच्छा, कांग्रेस अच्छी है? हाँ, कांग्रेस की सरकार लाना चाहेंगे गुजरात? बिल्कुल। अच्छा, बीजेपी के अगर काम गिनवाऊँ तो बीजेपी ने क्या क्या विकास किया आपकी नज़र? बीजेपी ने काफ़ी अच्छे रोड भी बनाए और ब्रिजा भी बनाई और वो मेट्रो भी डाली है, मेट्रो डाली है, अमुक जगह डाली है। अच्छा, कुछ ही जगह डाली? कुछ ही जगह डाली। ठीक है, और लोगों से बातचीत करने की कोशिश करेंगे, यहाँ पर और लोग भी मौजूद हैं। सर क्या नाम है आपका? नाम तो बता दीजिए। नहीं नहीं, मेरे जी, और लोगों से बात करते हैं। क्या नाम है आपका? एसके, सादिक खान। एसके जी, क्या लग रहा है कि किसकी सरकार बनने जा रही है इस बार? केजरीवाल। केजरीवाल, केजरीवाल ही क्यों? अरे यार, ऑफर कितनी अच्छी करी है यार, 300 वोल्ट फ्री देता है, यूनिट फ्री, घर सब कुछ बढ़िया चल रहा है, बेरोजगार को 3000 दे रहा है। हाँ, अच्छा सही है, विकास हो गया है। अच्छा, मुद्दे क्या होंगे आपके इस बार अगर देखा जाए तो? कौन से बारे में विकास में मुद्दे कौन कौन से होंगे? कि शिक्षा अच्छी होनी चाहिए, शिक्षा अच्छी नहीं है। पहले तो रोड बनने चाहिए यार, गाड़ी चलाने में बहुत प्रॉब्लम पड़ती है, रोड बेकार है यार, मेरी गाड़ी बहुत कुत्ती है, मेरी गाड़ी बहुत परेशान होती है। विकास नहीं हुआ है, रोड का पहले करो, बाकी सब चल जाएगा। पड़े रोड का पहले करो। आम आदमी पार्टी अच्छी लग रही, केजरीवाल लाएंगे, दिल्ली का मॉडल अच्छा लग, केजरीवाल ला सकेंगे, हाँ ला देंगे। तो काफी सरकार बना दी थी बीजेपी, तो नहीं बनाया गुजरात कहाँ सही है यार, तुम जाओ यहाँ से अहमदाबाद के 50 किलोमीटर के पॉइंट में कहीं भी घूमो, रोड ही सही नहीं है, कोई भी रोड ठीक नहीं, कोई रोड नहीं सही है। क्या लगता है कि केजरीवाल रोड बना देंगे? हाँ बना देंगे ना, इतना विकास हुआ, बन जाएगा। दिल्ली मॉडल की तरह गुजरात मॉडल भी बन जाएगा। ये चाह रहे हैं, चाह रहे हैं, पहले रोड बनाओ, दूसरा सब विकास चलेगा, पहले रोड बनाओ सही से। रोड चाहिए, मतलब डेवलपमेंट चाहिए, बढ़िया सिटी चाहिए, फॉरेन वाला लुक चाहिए, रॉयल वाला चाहिए। देखिए लोग कह रहे हैं कि लोग नहीं हुए, क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? नहीं कुछ नहीं कहना, वो डलमा बुलाओ, डलमा। अच्छा अच्छा अच्छा, चलिए आगे चलते हैं और देखेंगे कि क्या लोगों के राय हैं, क्या कुछ मुद्दे हैं इस बार। क्या नाम है आपका? अबू बकर। क्या लगता है कि किसकी सरकार बनने जा रही है सर गुजरात में? अब यार गुजरात में किसकी सरकार बनेगी, ये तो इलेक्शन मशीन, अभी तो मशीन का खेल चलता है, इलेक्शन मशीन में। अच्छा, मशीन कैसे चलता है, आपके ऊपर है ना, वो तो किसको वोट देंगे? हम तो मशीन पे देखो बटा कमल पे दबाते हैं तो जाता इधर केजरीवाल पे, मशीन का खेल चलता है। मशीन है आपको? हाँ, कमल जोरदार चलता है, अभी तो 100 रुपए लीटर पेट्रोल मस्त है एकदम, 1200 रुपए का गैस। भाजपा के विकास से खुश है? बहुत खुश है, देखो कितने खड्डे हैं यहाँ, बहुत जोरदार है, इतने इतने खड्डे, यहाँ खड्डे दिखाओ कितने खड्डे है। अच्छा, विकास तो कितना बढ़िया, बहुत जोरदार बढ़िया होता है। अभी एक पुल बना है अभी यहाँ साबरमती का रिवर फ्रंट ऊपर, कितने किसके पैसे से बनाया, पब्लिक के, पब्लिक के पैसे। हाँ, अभी एक व्हाट्सएप पे आया था, क्या लिखा था इस पे, पुल पार करते हैं अपने, तो इस पे कुछ अच्छा था, आज के बताना पड़ेगा मुझे। दूसरी सरकार भी तो विकास लेके आने वाली है। ऐसे पुल बनाया और पब्लिक के पैसे से एक दिन का 12,500 करोड़ रुपए कमा लिया, 30 रुपए पुल पैदल चलने के, पुल पारने के 30 रुपए लेता है। आप कौन से, और क्या लग रहा है, कौन सी सरकार और विकास लेके आएगी? कहाँ है कौन सी सरकार लेके आएगी, केजरीवाल को लाओ इस बार, विकास लेके आएगी, विकास अच्छे वाला लाएगी, भाजपा गंदा वाला लाएगी? नहीं है, गंदा नहीं, अभी चल रहा है, पब्लिक देखो कितना, कितने रुपए लीटर तुम्हारा सीएनजी क्या भाव है अभी ऑटो वाले का,
सीएनजी का भाव क्या है किलो का? 85 रुपीज किलो है। जब सीएनजी आया था गुजरात में अपने 22 रुपये में आई है, अभी 85 रुपये। क्या कमाएगा बेचारा गरीब? तो मतलब भाजपा के विकास से खुश नहीं है? बिल्कुल। अभी विकास तो देखो क्या है, चलता है पब्लिक सब। केजरीवाल जी के विकास गिनवा दीजिए। अब वो आने तो दो। केजरीवाल के लिए एक बंदा गया था दिल्ली और महल्ले महल्ले में फिरा था, वो अच्छा लगा। वो यूनिट बिल सबके घर से बताए थे, यूनिट कितना है, सबके 0-0 थे, बहुत अच्छा था। मतलब केजरीवाल जी जो हैं बिजली फ्री दे रहे हैं, बिजली अच्छी दे रहे हैं। वो आएगा जब, क्या देगा क्या? दिल्ली में दे रहे हैं, लेके आएंगे तो फिर वो उनके करना पड़ेगा। ये थी हमारी जनता की राय, जहाँ पर लोगों से बातचीत कर हमने ये जाना कि आज की लहर देखने को मिल रही है गुजरात में। फिलहाल गुजरात से जनता की एक एक कोने से हम जनता की राय लेंगे और आपको बताएंगे कि इसकी इस बार जो है किसकी सरकार जो है बनने वाली है। डेली हिंद के लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अगर अच्छी लगे तो कमेंट जरूर करें। बाकी आगे के लिए धन्यवाद।